Good morning, dear students. Now you will learn about future perfect continuous tense in part 22. आज देखेंगे आप, आपको यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के विषय में बताया जाएगा. आइडेंटिफिकेशन, इस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे, पहचान, ये पहचान देखिए इसका है. इस टेंस के वाक्यों से यह ज्ञात होता है कि कोई कार्य भविष्य में लगातार होता रहेगा और पूर्ण नहीं होगा. आने वाले इसमें देखिए, टुमारो का प्रयोग होगा, यस्टरडे का प्रयोग आप नहीं करेंगे, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है, आने वाले समय के लिए इसमें चर्चा होगी. तो इसलिए कोई कार्य इसमें भविष्य में लगातार जारी रहेगा और वह कंप्लीट नहीं होगा. प्रायः इस वाक्य हिंदी के वाक्यों के अंत में रहता होगा, रहते होंगे, रहती होगी, रहते होंगे, इस तरह के रहेंगे, रहे होंगे, रही होगी, इस प्रकार के वाक्यों से अंत करता है. तो हम ये समझ जाएंगे कि इसमें जो है हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है. जैसा कि आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बताया गया है कि निश्चित समय के लिए सेंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, तो इस टेंस में भी आपको समय के लिए सीन्स और फॉर का प्रयोग होगा. इसके पहले की वीडियो आप देखेंगे तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि सीन्स का प्रयोग कैसे और फॉर का प्रयोग कैसे किया जाता है. वह पूरा डिटेल आप बच्चों आपको बताया गया, लिखाया गया है. तो आते हैं हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस पे. अब यह टेंस का आपका लास्ट है. इसके बाद जो है कंडीशनल सेंटेंस मैं बताऊँगा, जिसमें शर्त प्रकट की जाती है, उसके विषय में इस टेंस के बाद बताऊंगा. तो यह आपका अंतिम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. जो आपके 15 टेंस थे वो बताए गए हैं, ये 15वां आपका जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. वैसे तो 12 होते हैं, लेकिन 3 जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को भी उसमें ऐड कर दिया गया है, तो इस तरह से टोटल मिलाकर 15 उसको हम मानेंगे. तो देखते हैं इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस. यह हुआ आपका अफर्मेटिव सेंटेंस. इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर, इसका प्रारूप देखिए. सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल, सब्जेक्ट हिसाब से शैल या विल का प्रयोग. जैसा कि आपको बताया गया, शैल का प्रयोग आई और वी के साथ होता है, बाकी सब सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करेंगे. आई और वी के साथ शैल, बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ विल का प्रयोग होगा. इसके बाद हैव बीन का प्रयोग करेंगे. हैव बीन के बाद जो है वर्ब का जो है फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट. अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर सब्जेक्ट उसमें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो आप जो है उस कर्म का, उस ऑब्जेक्ट का प्रयोग जरूर करेंगे. तो जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, कभी कभी ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, तो उस परिस्थिति में हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे. ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सीन्स का प्रयोग प्लस टाइम जो दिया है, टाइम यहां लास्ट में जो है क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं टाइम यहां पर लिख दे रहा हूं. सेंस के बाद जो है फिर टाइम प्लस अदर वर्ड्स. कुछ सेंटेंसों में ऐसा भी होता है कि ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स नहीं होते हैं, तो उस सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स लिखने की कोई आवश्यकता है. देयर इज नो नीड ऑफ यूजिंग ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स इन दी
Hindi sentences. So be careful on that. Now look here, example first. वह शाम तक बाग में आम खाता रहेगा। देखिए वह शाम तक बाग में आम खाता रहेगा। देखिए फ्यूचर की बात की जा रही, शाम तक वह लगातार आम खाता रहेगा और वह कार्य जो है पूर्ण नहीं होगा, खाता ही रहेगा। देखिए पहचान के हिसाब से आप देखिए कि भविष्य में वह कार्य होता रहेगा लेकिन कंप्लीट नहीं होगा। तो वह शाम तक बाग में आम खाता रहेगा। अब हम स्ट्रक्चर के हिसाब से इस टेंस को जो है बनाएं। सब्जेक्ट हुआ के लिए, हम ही का प्रयोग करेंगे। इसके बाद शैल या विल का प्रयोग होगा, तो यहां ही के साथ विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हैव, फिर बीन। ही विल हैव बीन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटिंग होगा, फोर्थ फॉर्म ईटिंग होगा, आईएनजी फॉर्म होगा, इट का ईटिंग होगा। ही विल हैव बीन ईटिंग। अब देखिए ऑब्जेक्ट इसमें मैंगो है, तब हम लिख दे रहे हैं मैंगोस। अब देखिए फॉर और सिंस का प्रयोग करना है। शाम जो है एक डेफिनेट टाइम है आपका, वह निश्चित समय है, तो हम वहां पर निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। He will have been eating mangoes since time क्या है evening, since evening। other words को last में रखेंगे, बाद में या आपका other words हुआ तो since evening in the garden। ये देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर के हिसाब से आपका सेंटेंस बना। ही विल हैव बीन ईटिंग मैंगोज सिंस इवनिंग इन द गार्डन। ये देखिए इस तरह से इसके स्ट्रक्चर हिसाब से आपका यह सेंटेंस बना। कभी कभी ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं ना तो अदर वर्ड्स होते हैं, तो तब उस समय में हम ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स को लिखेंगे नहीं। दूसरा सेंटेंस देखिए, मैं कल 2 घंटे तक क्रिकेट खेलता रहूंगा। मैं कल दो घंटे तक क्रिकेट खेलता रहूंगा। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट तो है क्रिकेट, लेकिन अदर वर्ड्स में कुछ नहीं दिया गया कहां भी मैं खेलता रहूंगा। जैसे इन द गार्डन है वो अदर वर्ड्स हुआ, लेकिन इसमें क्रिकेट खेलना कहां है इसके विषय में कोई चर्चा नहीं है, तो आप अदर वर्ड्स नहीं लगाएंगे। अब फिर स्ट्रक्चर के हिसाब से आप आइए, मैं के साथ जो है आई के साथ जो है हम शैल का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट
I shall have been playing cricket. For two hours tomorrow. कल के लिए हम tomorrow का प्रयोग करेंगे, yesterday का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। Yesterday होता है बीता हुआ कल, और tomorrow जो है वो आने वाले कल को हम कहते हैं। तो इसमें future की ही बातें होंगी, past की बात कभी नहीं करेंगे। मैं कल 2 घंटे तक क्रिकेट खेलता रहूंगा, तो इसका होगा आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स टुमारो। ये टुमारो आपका समय है, और इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग, इसमें फॉर का प्रयोग क्योंकि 2 घंटा अनिश्चित समय, इसलिए फॉर का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से फॉर 2 आवर्स टुमारो, देख लीजिए, मैं कल 2 घंटे तक क्रिकेट खेलता रहूँगा, आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स टुमारो। तो इस तरह से सेंटेंस हैं। अब एक एग्जांपल और मैं देता हूं, इसको आप लगभग नोट कर चुके होंगे, आइडेंटिफिकेशन। मैं तीसरा एग्जांपल यहां पे लिखता हूं, थर्ड एग्जांपल, हम मंगलवार तक इस पाठ को याद कर रहे होंगे। जैसे यहां रहे होंगे, रही होगी, या भी इस टेंस का प्रयोग किया जाता है, या रहता होगा, रहती होगी, ऐसे भी वाक्यों का प्रयोग होता है इसमें। देखिए, हम मंगलवार तक इस पाठ को याद कर रहे होंगे। मंगलवार जो है निश्चित समय है, उसके साथ हम सेंस का प्रयोग करेंगे। देखिए इसका ट्रांसलेशन, वी शैल हैव बीन ब्रिक्स आर शैल का प्रयोग, उसके बाद हैव बीन, वी शैल हैव बीन लर्निंग मतलब होता है याद करना, सीखना, दोनों होता है। वी शैल हैव बीन लर्निंग दिस लेसन सिंस ट्यूजडे। देखिए, वी शैल हैव बीन लर्निंग दिस लेसन सिंस ट्यूजडे, हम मंगलवार तक इस पाठ को याद कर रहे होंगे। तो यहाँ पे सीन्स का प्रयोग किया गया है क्योंकि ये निश्चित समय है, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से आप इसका जो है अभ्यास करिए। और भी सेंटेंस बच्चों जो है आपके बुक में दिया गया है, उसको जो है सॉल्व करने का प्रयास करिए, और फिर कोई दिक्कत होगी जब स्कूल ओपन होगा तो आप इसके विषय में मुझसे चर्चा कर सकते हैं। विशेष रूप से 9th वाले बच्चे जो है इसके नोट्स बनाते रहेंगे, क्योंकि 10th वाले बच्चे तो नोट्स बना चुके हैं, जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनको नोट्स बनाया गया है, उनके लिए फेयर कॉपी भी है ग्रामर की, उसमें वो काफ़ी कुछ बनाए हैं। तो ठीक है बच्चों, अब अगले वीडियो में मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।